जहाँ हर कोई दिवाली मना रहा है वहाँ भला कुनाल और परी कैसे पीछे रह जाएं? जरा देखिए, दोनों भी दिवाली मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और फाइनली जा रहे हैं दीदा और मौली के घर। जैसे ही राधिका कुनाल को देखती है बहुत खुश होती है और रोने लगती है। वो कुनाल से पूछती है क्या उसे एक बार भी अपनी माँ की याद नहीं आई। कैसा है रे तू? कैसा है? कैसी होगी वो माँ जिसका बेटा उसे भूल गया, जिससे दूर हो गया, याद तक नहीं आई तुझे? मत बात कर मुझसे। लेकिन ये क्या, जहाँ राधिका अपने बेटे कुनाल को देखकर काफी खुश है वहीं दीदा गुस्से से लाल हो जाती है। वो कुनाल को वहाँ से जाने के लिए कहकर धक्का देती है। कुनाल गिर जाता है तो दादी को बुरा भी लगता है कि उनकी वजह से कुनाल को चोट लगी। कहती है ना जा यहाँ से तो जा। अरे बा, क्या नहीं लग सकता अपना? अब देखना यह है कि क्या कुनाल परी को लेकर चला जाएगा या फिर वहीं रहकर परी, मिष्टी और बाकी घर वालों के साथ मिलकर दिवाली मनाएगा। आपको क्या लगता है अपने कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।